हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है रात के साढ़े आठ नहीं, एक्चुअली 8:10 हो रहे हैं अभी रात के। और अभी मैं, अमित और ईशान, हम तीनों जा रहे हैं बेकरी केक लाने के लिए, क्योंकि आज रात को ही हम लोग केक कट करने वाले हैं। और क्या है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा, यानी कि मेरे संडे वाले ब्लॉग में, जो कि मंडे को अपलोड होने वाली है। तो प्लीज़ उस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। और आज मैं इस ब्लॉग को बना रही हूँ, आज डिनर तक मैं हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज होने वाला है बहुत ही स्पेशल डिनर और काफ़ी रोमांटिक सा डिनर होने वाला है, इसीलिए आज मैंने ये ब्लॉग बनाया है। और थैंक्स टू रिया कि रिया ने सारा कुछ प्लान किया है हमारे लिए, और इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज एक ब्लॉग शूट कर लेते हैं ब्लॉग, ताकि सबको याद रहे आज का दिन और आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर पाऊँ। जैसे कि आप सबको पता है, मैं आपके साथ हर छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ, छोटी छोटी खुशी शेयर करती हूँ, तो ये भी मेरी लाइफ का एक पार्ट है, तो मुझे लगा कि ये भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो गाइज, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और चलते हैं बेकरी। और वैसे रिया अभी गई है डांस क्लास, रिया डांस सिखाती है और वो 8:30 बजे तक आ जाएगी घर, उसके बाद वो करेगी सारा डिनर बनाने का काम। ऑलरेडी जो उसने है सारा प्रिपरेशन करके रखी है और बस आके वो बनाने वाली है बहुत ही स्पेशल सा डिनर। और उसे सोच के ही मेरी जी पे पानी आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मैं कितनी बड़ी फूडी हूँ। ओके, तो अभी मैं, अमित और ईशान, हम तीनों जा रहे हैं केक का ऑर्डर देने। और मैंने आपसे पूछा था कि क्या हो सकता है संडे के दिन, आप सबका कमेंट आया है और दो एक सही है उसमें, क्या है संडे को, तो वो तो आपको संडे को ही पता चलेगा, संडे का ब्लॉग देखने के बाद, ब्लॉग देखते देखते एक्चुअली। तो चलिए अभी चलते हैं। सो अभी हम लोग मार्केट से आ गए हैं और ईशान अभी सो रहा है, रास्ते में वो सो गया था। और अभी रिया बना रही है चाउमीन और टाइम अभी शायद 9:30 बज छे ना। हमार तो मुके जल आ छे, हमार तो अभी टाइम 9:30 हो रहे रात के, और बस भूख बहुत जोर की लगी है और मुंह में भी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो अभी जल्दी से हम लोग करेंगे डिनर। हाय गाइस, सो अभी मैं रेडी हूँ खाना खाने के लिए। सो मैंने आज पहना है ये लॉन्ग सूट, और ये मैंने लिया था जब मेरी शादी हुई थी, नहीं उस टाइम पे, और शायद जून महीना था ना, मई जून महीना था उस टाइम पे, नहीं उससे पहले जून महीना तो हम लोग घर गए थे, नहीं जुलाई को, जुलाई 5 तारीख को हम लोग घर गए थे, अप्रैल में, तो अप्रैल मई को मैंने ये लिया था, और तब भी मुझे लूज़ आता था, अभी भी मुझे लूज़ ही आता है ये, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो आज मैंने ये पहना है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं स्पेशल रोमांटिक डिनर। जी हाँ, तो रिया ने सारा कुछ अरेंजमेंट कर लिया है अब। सो गाइज, इसीलिए मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि हम लोग अभी डिनर करने वाले हैं घर में, कैंडल लाइट डिनर, और इसीलिए मैंने आज ये वाला लॉन्ग सूट पहना हुआ है, क्योंकि मुझे पूरा लॉन्ग आता है। ओके, तो मैं सबसे पहले अभी आपको दिखा देती हूँ कि डिनर में हम लोग क्या क्या खाने वाले हैं, एक्चुअली रिया क्या क्या बनाई है हम लोगों के लिए, और कैसे रिया ने टेबल को अच्छे से डेकोरेट किया है।
सो गाइस अभी हम लोग का डिनर हो चुका है, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और डिनर हम लोग का हो चुका है और अभी हम लोग खाने बहुत ज़्यादा भर गया। हाँ मेरा तो बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा खा लिया है। और अच्छे से हम लोग शूटिंग एक्चुअली नहीं कर पाए क्योंकि कैंडल लाइट डिनर था ना, तो एक्चुअली दिख नहीं रहा था अच्छे से, लाइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और फेस एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। और हमने कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगाए थे इसीलिए बिल्कुल भी फेस नहीं दिख रहे थे, थोड़ा सा कैंडल और टेबल वगैरह देख रहे थे ओके, तो इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। तो अभी हम लोग ये खाने वाले हैं और ये आपके साथ जरूर शेयर करेंगे ओके। स्वामी जी कैसा लगा आपको? अच्छा भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। पहले तो स्प्राइट पिया, बहुत मजा आया, फिर बाद में डिलीशियस खाना खा के तो पेट तो भर गया, फिर बाद में डेयरी मिल्क का जो चस्का लगा वो पूछो मत। ओके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा गाइस प्लीज कमेंट करना, और ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। ओके ओके गुड नाइट। और वैसे इंसान अभी सो रहा है, रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग इस ब्लॉग को एंड करेंगे और दोबारा हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करेंगे रात को 12 बजे और पूरा दिन हम लोग शूट करने वाले हैं। रात को 12 बजे हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करेंगे फिर से और फिर पूरा दिन हम लोग शूट करने वाले हैं और एक लंबा चौड़ा ब्लॉग आने वाला है आपके लिए और उसे भी आपको पता चलेगा कि क्यों हम लोग इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन करें। आई नो आप लोग गेस कर चुके हो कि क्या है। सो गाइज अभी हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और होप करते हैं कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, हमारी जो कोशिश है वो आपको अच्छी लगी। और सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, और हमारा वीडियो देखते रहिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है बहुत बहुत थैंक यू उनका, और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे हम लोग DIY डेली ब्लॉग्स, फनी चैलेंज और जो कोशिश रहता है हम लोग का वो करते रहते हैं और आप लोगों को कुछ नया नया दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को और कमेंट डेफिनेटली करना कि आज का ब्लॉग, आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आई नो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है बट आई होप कि वो छोटा ही हो क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा ब्लॉग बन जाता है जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, बहुत ही लंबा मैं शूट कर लेती हूँ और जब मैं उसे एडिट करती हूँ तब मुझे पता चलता है कि 50 मिनट 60 मिनट का एक एक ब्लॉग बन चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा उसे एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन मुझे पता है कि आज का ब्लॉग छोटा ही बना होगा। ओके गाइस बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।